अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं यार आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जिक्की क्या हुआ यार इसको, ऐसे कैसे बैठे हो इसके पास? यार ये ना उदास हुआ पड़ा है, इसका ना दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी दोस्तों, क्योंकि ये ना बेचारा अकेला ही है यहाँ पे। यहाँ पूरे घर के अंदर ना सारा दिन तो ये घर खाली होता है और बच्चे वगैरह हम सब लोग ना घर के अंदर होते हैं, तो ना इसका ना बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, हर वक्त ना बोलता रहता है। यार मैंने ना इसकी एक बात नोट की, जब हम इसके पास आते हैं ना फिर ये खामोश हो जाता है, और जब हम थोड़ा सा दूर जाए ना तो ये बोलने लग जाता है। क्योंकि यार इसका दिल नहीं लगता, और वैसे ना दोस्तों ये ना इंसान दोस्त है, मतलब जब हम इसके पास होते हैं ना तो बिल्कुल खामोशी से खड़ा रहेगा और ना छेड़खानी करता रहता है हमारे साथ, लेकिन जैसे ही ना इससे हम दूर जाते हैं ना तो उसी टाइम ना इसने बोलना शुरू कर देना। अभी इसके पास बैठे हुए ना इसको कोई टेंशन नहीं है, और यहाँ पे इसके लिए चारा वगैरह डाला था और यहाँ पानी था, और इस गंदे ने ना सारा पानी ये नीचे गिरा दिया है, क्योंकि मस्तियाँ करता रहता है जब हम इसके पास बैठे होते हैं। अभी ना हम इससे ना थोड़ा दूर जाके देखते हैं, तो देखते हैं अभी ये बोलता कि नहीं। हाँ जी दोस्तों, इससे ना अभी हम थोड़ा दूर जाके देखेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कैसे ना ऊँची ऊँची आवाज में इसने बोलना शुरू कर देना है। जिक्की आ जा, अभी ना हम इससे दूर जा रहे हैं, अभी देखना इसको लग गया पता ये जा रहे हैं, अभी कैसे कर दिया इसने, अभी बोलना शुरू कर देगा। आ जाओ जिक्की, चलो वापस आते हैं। अभी ना हम दूर जा रहे हैं, अभी इसने थोड़ा थोड़ा ना बोलना शुरू कर दिया, वो देखें कैसे कर रहा है वहाँ से ना बिल्कुल के जैसे ना वो बोलना शुरू कर दिया इसने। आ जाओ जिक्की आ जाओ, वो बोल रहा है। अभी इतना तेज़ इसलिए नहीं ना बोल रहा क्योंकि अभी तक हम इसको नज़र आ रहे हैं। हाँ आप लोगों को दोस्तों पता नहीं इसकी आवाज़ आ रही होगी या नहीं, लेकिन ना इसने ना अभी बोलना शुरू कर दिया है ऊँची ऊँची आवाज़ में, वो वहाँ पे ना बोल रहा है। आ जाओ जिक्की आ जाओ, वो बोल रहा है। इसका ना यार जिक्की दिल नहीं लग रहा बेचारे का, तो इसका ना जल्दी से जल्दी ना इसका पार्टनर लेके आना पड़ेगा हमें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जाएंगे मंडी, तो उधर से इसका पार्टनर लेके आएंगे हम। यार जिक्की ये काम ना करें, मैं सोच रहा हूँ यार काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है। हाँ, और जब से लेके आए इसको नहलाया धुलाया भी नहीं है, इसको नहलाना दें। हाँ आज इसको ना नहला देते हैं। जिक्की यार इसको ना अभी चारा नहीं खिलाओ, इसको अभी नहलाना है ना, तो इसको नहलाने के बाद ना ये दोस्तों मैं अभी लेके आया इसके लिए ये टहनियाँ कट करके दरख्त से ना शहतूत की, इसको बड़े शौक से ये खा रहा था तो मैं ले आया अभी वापस जब आ रहा था, तो इसको ना नहलाने के बाद खिलाएंगे। सही है, और इसके लिए ना ये जो शैम्पू और सर्फ मैं लेके आ गया हूँ, और अभी ना हम अपने ये क्यूट सा जो गोलू मोलू बेड़ का बच्चा है ना इसको नहलाने लगे। पाइप भी मैंने यहाँ पे लेके आ गया हूँ, इसको भी हम चलाते हैं, और यहाँ से ना फिर ये फर्श भी धुल जाएगा, यहीं पे इसको बांध देंगे जब फर्श धुल जाएगा और पानी ना सारा बाहर चला जाएगा, और वहाँ पे ना इसको थोड़ा खुश करने के लिए वहाँ पर खड़ा कर देंगे। ले इसके गले की रस्सी निकाल दो अभी। फाइनली हमने ना अपने ये प्यारे से भेड़ के बच्चे को ना नहला दिया हुआ है, और ये माशाल्लाह से ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अभी ना क्योंकि शाम का टाइम है, धूप थोड़ी सी कम रह गई है, इसलिए ना इसको जल्दी सुखाने के चक्कर में ना हम इसको ड्रायर से खुश कर रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा गीला है ये अंदर से ना, क्योंकि इसको बाल बहुत ज़्यादा है ना, तो पानी बहुत मुश्किल से ना खुश्क होगा, तो इसलिए ना जिक्की थोड़ा थोड़ा ना ड्रायर भी लगा रहा है कि जल्दी ना खुश्क हो जाएगा। माशाल्लाह से देखें बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और क्यूट लग रहा है, और थोड़ी देर पहले तो ना ये कांपने भी लग गया था, इसको सर्दी लगने लग गई थी, लेकिन अभी ना बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, और थोड़ी देर बाद ना ये बिल्कुल ना खुश्क हो जाएगा, फिर और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। दोस्तों हमारा ना पार्सल आ गया, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमने पार्सल में ना क्या मंगवाया है। दोस्तों हमने मंगवाया है यार एक प्यारा सा ना क्यूट सा मंकी का बेबी, और लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा शरारती है, ये देखें। शरारती नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक हाँ, ये काटता है, बाइट कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं ना, अभी छोटा है, इसको हैंड टेम शेम टेम करेंगे, उसके बाद ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शोर देख कैसे कर रहा है, कितना ज़्यादा शोर कर रहा है यार ये। अच्छा ये है बिल्कुल छोटा सा, हमने ना छोटा इसलिए मंगवाया था कि ये ना हैंड टेम हो जाएगा, और ये थोड़ा फ्रैंक भी हो जाएगा, फ्रेंडशिप भी हो जाएगी, तो फिर ना ये कुछ भी नहीं कहा करेगा। अभी दरअसल थोड़ा सा ना न्यू है ना, इस वजह से ये ऐसा ना थोड़ा इसका रूड बिहेवियर है। अच्छा इसको ना अपने वो भेड़ के बच्चे के पास करना, इसको ज़रा क्या करता है ये। इसके लिए तो इसे मंगवाया है ताकि इसका भी दिल लगा रहे, ये बहुत उदास फिरता है। ये इसको ना मज़ा आएगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ना ये नरम नरम ना बाल है, लेट गया इसके ऊपर।
ये ना थोड़ा डर रहा है अर्ज की अभी। कोई नहीं, 2-4 दिन में डर भी उतर जाएगा इसके साथ, जब ये रहेगा ना दोनों के आपस में फ्रेंडशिप हो जाएगी इनकी। ऐसे ही चलो जी, ये देखें माशाल्लाह से कितना क्यूट है, बिल्कुल छोटा सा लेकिन इसकी हरकतें बिल्कुल बड़े बच्चों की तरह हैं। अभी इसको पकड़ा है ना हाथ के अंदर तो बिल्कुल इतना गुस्सा कर रहा है, इतना मतलब जैसे ना पता नहीं क्या हो गया हो, ऐसे शोर कर रहा है इतना ज़्यादा और ना भागने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे तो छत के ऊपर है ना, ये देखें अभी ये हाथ से छूट गया है यहाँ से, और इसने बाइट भी किया ना हाथ पे। हाँ, मेरे यहाँ पे बाइट किया इसने फिंगर पे। तुम्हारा क्या किया जाए, हाँ तुम इतनी जो शैतानियाँ कर रहे हो, क्या वजह है? इसको हम ना इस भेड़ के बच्चे के साथ बांध देंगे। अच्छा, हाँ इसके लिए एक छोटा पटा लेके आएंगे जो कैट्स को भी डालते हैं। सही। और एक छोटी सी संगल लेके आएंगे इसके लिए, जंजीर, वो इसको डाल देंगे हम। और ये इसके काम देख लो, ये झाड़ू है ना उसकी सीखें खा रहा है गंदा, तुमसे जो चारा हम डालते हैं वो तो तुमसे खाया नहीं जाता और ये गंदी चीज़ें खा लो उल्टी पुल्टी। हाँ जी, इसको बंद कर, इसके लिए केज तो है ना एक? हाँ इसके लिए केज है। फिलहाल केज में बंद करते हैं और उसके बाद इसको ना ट्राई करेंगे हैंड टेम करने की, हैंड टेम हो गया अभी या नहीं। अच्छा बोल क्या रहा है? पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, बस इसको ये है कि ये मुझे छोड़ दे किसी तरीके इसको से। जो छोड़ दिया ना तो यहाँ पे ये पड़ोसियों के हाँ इधर उधर चला जाएगा, इसलिए ना इसको केज के अंदर ही बंद करो। हाँ इधर दरख्त भी बहुत ज्यादा है तो ये दोबारा हाथ भी नहीं आएगा हमारे। तो इसको ना इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे, इसके गले के अंदर या तो जंजीर डाल के छोड़ेंगे या फिर इसको ना केज के अंदर छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा हमसे फ्रैंक हो जाएगा और थोड़ा दोस्ती वगैरह भी कर लेगा ना फिर इसको बाहर छोड़ा करेंगे, फिर इसका ना बाहर भागने का डर भी नहीं होगा। और ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये भाई साहब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इसका बाहर जाने का टाइम हो गया, अब ये बाहर जाने के लिए रेडी है। तो जिक्की अभी ना लेके चलते हैं अपने भेड़ के बच्चे को बाहर और इस शैतान को ना हम बंद करेंगे अभी केज के अंदर दोस्तों, और उसके बाद ना बाद में इसको देखेंगे इसके साथ क्या करना है, इसके साथ दोस्ती मुस्ती लगानी है। ये हैंड टेम हो जाएगा क्योंकि छोटा बच्चा है ना, इंशाल्लाह 2-4 दिन इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ना ये बिल्कुल दोस्त हो जाएगा हम। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।